राम मेरे प्यारे बहन भाइयों, और आप सब लोग कैसे हो? अच्छे हो? भगवान जरूर कृपा करेंगे सब पर। जब हम कुछ अच्छे काम करते हैं तो कृपा करते हैं, सुंदरकांड पाठ सुनेंगे और सुनाएंगे सबको, हमारे ऊपर कृपा जरूर करेंगे हनुमान जी और राम जी। जय सिया राम मेरे प्यारे बहन भाइयों। मैं 7 भाग डाल चुकी हूँ, 8वां भाग अब। जय सिया राम। सोना हो पवन सुत रहन हमारी, जिस दसन महु जीव बिचारी, तात कबहु मोहि जाने अनाथा, करी है कृपा भाने कोले नाथा। अर्थ, विभीषण जी ने कहा, हे पवन पुत्र मेरी रहनी सुनो, मेरी रहनी सुनो, मैं यहाँ वैसे ही रहता हूँ जैसे दांतों के बीच जीव रहती है। मतलब मैं इस तरीके से डरते डरते तो रहते ही है, रावण से डरते हैं विभीषण जी, मैं उसी तरह से रहता हूँ जैसे दोनों दांतों के बीच में और हमारी जीव फंसी हुई है इस तरीके से। हे तात, मुझे अनाथ जानकर सूर्य कुल के नाथ श्री रामचंद्र जी क्या कभी मुझ पर कृपा करेंगे? वो विभीषण जी पूछ रहे हैं हनुमान जी, क्या मेरे ऊपर कृपा करेंगे? तामस तनो कछु साधन नाही, प्रीत न पद सरोज मन माही, अब मोए भाव भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। क्या कह रहे हैं विभीषण जी? मेरा तामसी राक्षस शरीर होने से साधन तो कुछ बनता नहीं। मतलब मैं राक्षसी हूँ, राक्षस कुल का हूँ, तो कोई साधन तो बनता नहीं है, और ना मन में श्री रामचंद्र के चरण चरण कमलों में प्रेम ही है। मतलब अपने आप को दो, जबकि दिन रात विभीषण जी राम गुण गान गाते रहते हैं, उन्हीं का स्मरण करते रहते हैं, फिर भी उन्होंने अपने आप को कितना तुच्छ बताया है, कितना छोटा बताया है कि मैं तो कुछ नाम भी नहीं जपता हूँ, कितना विभीषण जी ने बताया है। हाँ, और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जरा सा भी नाम जाप कर लिया और गुणगान इतना करते हैं कि हम दिन रात कितनी सेवा करते हैं, कितनी हम पूजा करते हैं, और ना जाने कितना हम गुणगान करते हैं भगवान का। तो यहाँ पे विभीषण जी से हमें ये सीखने की सीख मिल रही है। क्या मैं प्रेम ही है, परंतु हे हनुमान, अब मुझे विश्वास हो गया है। मतलब अब आपसे मिलकर मुझे विश्वास हो गया है कि श्री राम जी की मुझ पर कृपा होगी, कृपा है, क्योंकि हरि की कृपा के बिना संत नहीं मिलते हैं। जब राम जी की कृपा हो गई है तभी तो आप मुझे मिले हो, ये कह रहे हैं विभीषण जी हनुमान जी से। जो रघुवीर अनुग्रह कीना, तो तुम मोह दरस हट दीना, सुनहु विभीषण प्रभु के रीति, करे सदा सेवक पर प्रीति। सुनिए आगे, जब श्री रघुवीर ने कृपा की है, यानी श्री रामचंद्र जी ने कृपा की है, तभी तो आपने मुझे हट करके अपनी ओर से दर्शन दिए हैं। मतलब आपने अपने आप दर्शन दिए हैं, श्री रामचंद्र जी की कृपा हुई है तभी तो। हनुमान जी ने कहा, हे विभीषण जी सुनिए, प्रभु की यही रीत है, श्री रामचंद्र जी की यही रीत है कि वे सेवक पर सदा ही प्रेम किया करते हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा, जय हो प्रभु, ऐसे ही कृपा हमारे ऊपर भी करें। कहो कवन में परम कुलीना, कपि चंचल सब ही विदेहीना, रात प्रात ले जो नाम हमारा, ते ही दिन ताहे न मिले। अब सुनिए हनुमान जी क्या कह रहे हैं, अब वो अपने आप को छोटा बता रहे हैं। सुनिए, भला कहिए, हनुमान जी बोल रहे हैं विभीषण जी, भला कहिए मैं ही कौन सा बड़ा कुलीन हूं, है ना, मैं मतलब कौन सी बड़ी जाति का हूं, ऐसे बोल रहे हैं।
बानर हूँ। बानर तो चंचल होते ही ना, इधर कूद उधर कूद ऐसे करते हैं ना, और सब प्रकार से नीच हूँ। प्रातः काल जो हम लोगों यानी बंदरों का नाम ले ले तो उस दिन उसे भोजन नहीं मिलता। ऐसा नहीं है, हनुमान जी का तो हर समय गुणगान करते रहना चाहिए दिन रात सुबह शाम। पर हनुमान जी अपने आप को ये बता रहे हैं कि जो सुबह उठते ही मेरा नाम ले लेगा उसे आहार भी नहीं भोजन भी नहीं मिलेगा। पर नहीं, वो अपने आप को छोटा बता रहे। यही सीख हमें सीखनी है कि हमें अपने आप में हर समय नहीं भाई मैं कुछ नहीं हूँ, राम की कृपा है तो थोड़ा बहुत मैं नाम जाप कर लेता हूँ, इस तरीके से अपने आप को छोटा ही बताना चाहिए। बहुत गुणगान नहीं करना चाहिए, बखान वैसे नहीं बस बखान करते जाओ हम हाँ ये है वो है, नहीं ये सीख है। ऐसा नहीं है कि हमें सुबह नहीं नाम लेना चाहिए, नहीं हर समय नाम लो। और हनुमान जी का नाम जाप करेंगे तो हमारा मिलन किससे हो जाएगा, जल्दी से श्री रामचंद्र जी से मिलन हो जाएगा, यानी कि वो हमारे ऊपर बहुत कृपा करेंगे। हम इस लायक तो नहीं है कि भगवान जी हमें दर्शन दे दें, नहीं है। पर लेकिन हाँ, कुछ हमारे कार्य अधूरे हैं वो जरूर कर देंगे अगर हम हनुमान जी का दिन रात गुणगान करेंगे तो, क्योंकि हमारी सिफारिश करेंगे ना, जब हमारी सिफारिश हो जाएगी राम जी से तो जरूर कृपा करेंगे हमारे ऊपर। जय श्री राम। असमे अदम सखा सुन मोहु पर रघुबीर कीनी कृपा सो मेरे गुण भरे विलोचन नीर। सुनिए हे सखा सुनिए, मैं ऐसा अधम हूं, हनुमान जी बता रहे हैं, पर श्री राम जी ने तो मुझ पर भी कृपा ही की है। भगवान के गुणों का स्मरण करके हनुमान जी के दोनों नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भर आया, प्रेम का दोनों आंखों में जल भर आया। जय हो श्री रामचंद्र जी की जय हो। जय श्री राम। यह हमारा हुआ आठवां भाग पूरा। जय श्री राम।